डियर स्टूडेंट, आरसी एजुकेशन हब बांसू की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो आज एग्रीकल्चर केमिस्ट्री सेकंड के अंदर जो अपना नया चैप्टर पढ़ेंगे, डेयरी केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 12, उसके अंदर दुग्ध रसायन, दूध की जनरल आइडेंटिफिकेशन की बातें करेंगे। तो आज का जो अपना टॉपिक रहेगा दूध। जिसे मिल्क कहा जाता, दूध को क्या कह सकते हैं इंग्लिश में, मिल्क। दूध जो होता है वो हमारे भोजन का एक अभिन्न आवश्यक अंग होता है। दूध जो होता है वो हमारे भोजन का एक अभिन्न आवश्यक अंग होता है, क्योंकि इसमें सभी पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन, खनिज पदार्थ एवं जल उपस्थित होते हैं। इसी कारण दूध को क्या कहा जाता है, संपूर्ण आहार की संज्ञा दी जाती है। तो देखिए, यहां से दूध हमारे भोजन का अभिन्न अंग होता है, हमारे भोजन का अभिन्न अंग होता है। दूध जो है हमारे भोजन का क्या है, अभिन्न अंग होता है। सभी पोषक तत्व उपस्थित होते हैं, सभी पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। सभी पोषक तत्व उपस्थित होने का मतलब यहां पे जैसे कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज पदार्थ एवं जल उपस्थित होते। कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन, खनिज पदार्थ एवं जल उपस्थित होते हैं। ये सभी पोषक तत्व उपस्थित होने के कारण इसे क्या कहा जाता है, संपूर्ण आहार की संज्ञा दी जाती है। किसकी संज्ञा दी जाती है, संपूर्ण आहार की संज्ञा दी जाती है, दी जाती है, संपूर्ण आहार की संज्ञा दी जाती है। तो इसमें दूध जो है उसके अलग अलग प्रकार से परिभाषाएं दी गई। तो नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा दूध की परिभाषा, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे दूध की परिभाषा। दूध की जो परिभाषाएं हैं वो तीन प्रकार से दूध को परिभाषित किया जा सकता है। कौन कौन से प्रकारों में, जैविक दृष्टिकोण से, व्यापारिक दृष्टिकोण से और रासायनिक दृष्टिकोण से दूध को किस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। यानी कि दूध की जो परिभाषा है तीन प्रकार से दी जाती है, तीन प्रकार से दी जाती है। दूध की जो परिभाषा है वो कितने प्रकार से दी जाती है, तीन प्रकार से। कौन कौन से तीन प्रकारों की बात करें, यहां पे जैविक दृष्टिकोण से, जैविक दृष्टिकोण से। नंबर टू में बात करेंगे व्यापारिक दृष्टिकोण से, व्यापारिक दृष्टिकोण से। और नंबर तीन में बात करेंगे रासायनिक दृष्टिकोण से, रासायनिक दृष्टिकोण से। तो यानी दूध की जो परिभाषा है वो कितने प्रकार से दी गई, तीन प्रकार से, जैविक दृष्टिकोण से, व्यापारिक दृष्टिकोण से और रासायनिक दृष्टिकोण से। जिसमें फर्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं जैविक दृष्टिकोण से, जैविक दृष्टिकोण से। जैविक दृष्टिकोण से क्या बताया कि दूध जो है वो स्तनधारी पशु जो होते हैं उनकी दुग्ध ग्रंथियों से स्रावित एक तरल पदार्थ होता है, जो पोषण के लिए, शिशु के पैदा होने के बाद पोषण के लिए स्रावित होता है, वही क्या कहलाता है दूध। इसमें साधारण व असाधारण दूध जैसे खीस जो है उसमें कोई भेदभाव नहीं रखा गया। देख, स्तनधारी पशुओं की, स्तनधारी पशुओं की दुग्ध ग्रंथियों से, स्तनधारी पशुओं की दुग्ध
ग्रंथियों से प्राप्त एक तरल पदार्थ जो शिशु के पैदा होने के बाद जो शिशु के पैदा होने के बाद पोषण के लिए स्रावित होता है दूध कहलाता है। इसमें साधारण व असाधारण दूध जैसे कि इसमें कोई भेदभाव नहीं रखा है। इसमें साधारण व असाधारण दूध जैसे खीस में कोई भेदभाव नहीं रखा गया है। इसमें साधारण व असाधारण दूध जैसे खीस में कोई भेदभाव नहीं रखा गया है। इसी प्रकार से अपन बात करेंगे व्यापारिक दृष्टिकोण से। सेकंड, व्यापारिक दृष्टिकोण से क्या बताया कि एक या एक से अधिक स्वस्थ पशु जिनका भली प्रकार से पालन पोषण किया गया हो उनमें वत्स्य जन्म के 15 दिन पहले एवं 10 दिन बाद एक स्वच्छ ताजा लैक्टिल क्षरण प्राप्त होता है क्या कहलाता है दूध। यानी कि एक या एक से अधिक स्वस्थ पशु जिनका भली प्रकार से पालन पोषण किया गया हो उनमें वत्स्य जनन के 15 दिन पहले और 10 दिन बाद एक स्वच्छ ताजा लैक्टिल क्षरण जो प्राप्त होगा वो क्या कहलाएगा दूध। देखिए एक या एक से अधिक स्वस्थ पशु एक या एक से अधिक स्वस्थ पशु जिनका भली प्रकार से पालन पोषण किया गया हो उनमें वत्स्य जन्म के 15 दिन पहले वे 10 दिन बाद एक स्वच्छ ताजा लैक्टियल क्षरण प्राप्त होता है उसे दूध कहा जाता है जो दूध है उसमें वसा की जो मात्रा है 3.25% पाई जाती है एवं वसा रहित जो ठोस पदार्थ है उनकी जो मात्रा है वो 8.5% पाई जाती है। दूध में वसा की मात्रा 3.25% वसा रहित ठोस पदार्थों की मात्रा आठ पॉइंट पांच परसेंट पाई जाती है। तो ये है आपकी दूध की जैविक एवं व्यापारिक दृष्टिकोण से परिभाषा। तो यहाँ से क्या बताया डियर स्टूडेंट, दूध जो है दूध हमारे भोजन का एक अभिन्न अंग होता है जिसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन, खनिज पदार्थ, जल उपस्थित होते हैं।
यही कारण है कि इसे संपूर्ण आहार की संज्ञा दी जाती है। अब दूध की जो परिभाषा है वो तीन प्रकार से दे सकते हैं, जैविक दृष्टिकोण से, व्यापारिक दृष्टिकोण से और रासायनिक दृष्टिकोण से। जिसमें जैविक दृष्टिकोण से किस प्रकार से परिभाषित किया जाता है कि स्तनधारी जो पशुएं हैं उनकी दुग्ध ग्रंथियों से प्राप्त एक तरल पदार्थ जो शिशु के पैदा होने के बाद पोषण के लिए स्रावित होता है वो क्या कहलाता है, दूध। इसके अंतर्गत जो साधारण और असाधारण दूध जैसे खीस, इसमें कोई भेदभाव नहीं रखा गया। नंबर टू पे बात करते हैं व्यापारिक दृष्टिकोण से। इसमें क्या होता है कि एक या एक से अधिक स्वस्थ पशु जिनका भली प्रकार से क्या किया गया हो, पालन पोषण किया गया हो, उनमें वत्स्य जनन के 15 दिन पहले और 10 दिन बाद क्या प्राप्त होगा, एक स्वच्छ ताजा लैक्टियल क्षरण प्राप्त होता है, क्या कहलाता है, दूध। दूध में वसा की जो मात्रा है वो कितनी पाई जाती है, 3.25% पाई जाती है। वसा रहित जो ठोस पदार्थ है उनकी मात्रा कितनी पाई जाती है, 8.5% पाई जाती है। तो डियर स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही काफी है।